हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज़ 11 में वॉल्यूम ऑटोमेटिकली अप डाउन हो रहा है, तो इसकी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर सिस्टम के ऊपर क्लिक कर स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है प्लेइंग ऑडियो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको रन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर फिर से सिस्टम के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर साउंड के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पीकर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पर। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं इनहेंस ऑडियो। अगर यह ऑप्शन आपके पास टर्न ऑन है तो आप इसको सिंपल यहां से टर्न ऑफ कीजिए इस तरीके से। उसके बाद आपको यहां पर बैक आना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। फिर आप यहां पर देख सकते हैं मोर साउंड सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर स्पीकर को सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एडवांस टैब में आना है और आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों बॉक्स में आपको चेक करना है इस तरीके से। यहाँ पर अलाउ एप्लीकेशन टू टेक एक्सक्लूसिव और यहाँ पर इस बॉक्स में भी आपको चेक करना है गिव एक्सक्लूसिव मोड, ओके। उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन टैब में आना है और यहाँ पर आपको डू नथिंग, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए यहाँ पर। उसके बाद आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज, आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है विंडोज़ ऑडियो, इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्टार्टअप टाइप आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फिर से फाइंड आउट करना है विंडोज़ ऑडियो एंड पॉइंट, इसको भी आप सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए, स्टार्टअप टाइप आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। फिर आप जो है स्टार्ट मेनू के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर्स, इस वाले ऑप्शन को आप डबल क्लिक कीजिए, ये ऑप्शन एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पीकर को सेलेक्ट कर यहाँ पर राइट क्लिक करना है। फिर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। फिर से आपको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट, इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पीकर के ड्राइवर शो हो जाएंगे, सेलेक्ट कर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप जो है पीसी को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गए तो आपको जो है यहाँ पर डिवाइस मैनेजर फिर से ओपन कर यहाँ पर स्पीकर के ड्राइवर को सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, अनइंस्टॉल डिवाइस के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप जो है कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर आप जो है स्पीकर के ड्राइवर्स को जो है फिर से डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप पीसी को रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली, अगर आपके पास भी विंडोज़ 11 में वॉल्यूम ऑटोमेटिक अप एंड डाउन हो रहा है तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।